नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा नाम देवेश है। आज अपन चर्चा करेंगे एक नए घटनाक्रम से, और फोकस अपना होगा कि उस घटनाक्रम से अपन को क्या सीख मिलती है। तो घटनाक्रम यह है कि रिलायंस रिटेल ने एक कंपनी है एडवर्ब टेक्नोलॉजीज, उसमें खरीद ली है मालिकाना 54% की हिस्सेदारी 983 करोड़ रुपए में। तो रिलायंस रिटेल ने ये एडवर्ब टेक्नोलॉजी में जो 983 करोड़ का निवेश किया है, उस निवेश से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये है मुद्दे की बात। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि ये एडवर्ब करती क्या है। तो एडवर्ब बिल्कुल सरल शब्दों में क्या करती है, जो आपका वेयर हाउस होता है जहां पर सामान इकट्ठा किया जाता है, वहां पर सामान की पिकिंग करना और पैकिंग करना, वो काम आदमी करते हैं। आदमियों की वर्कर्स की मदद करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल भी होता है। तो वो जो रोबोट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाती है ये एडवर्ब टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी का कारोबार धंधा भविष्य में बढ़ने ही बढ़ने वाला है, और इसकी ग्लोबल डिमांड है भारत के साथ साथ। अब सवाल उठता है, कंपनी तो बढ़िया, लेकिन रिलायंस रिटेल ने इसमें निवेश क्यों किया? तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ने रिलायंस रिटेल के लिए अभी जियो मार्ट का वेयर हाउस बनाया है। मतलब रिलायंस रिटेल को एडवर्ब का धंधा समझता है, प्रोडक्ट समझता है, उन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप जिस कंपनी में निवेश करें, उस कंपनी का धंधा, प्रोडक्ट, मार्केट आपको समझ में आना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एडवर्ब टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिटेबल, ये कंपनी पैसा बनाती है। अपन ने यही चर्चा करी है पिछले वीडियोस में, जो कंपनी खुद पैसा बनाती है उसी पर निवेशक भी पैसा बना पाएंगे। मतलब रिलायंस रिटेल ने एक ऐसी कंपनी चुनी है जो कि लॉस नहीं बना रही, प्रॉफिट बना रही। तो आपको भी ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो या तो प्रॉफिटेबल। ध्यान दीजिए, रिलायंस से पैसा लेकर एडवर्ब अपना कर्जा नहीं उतार रही, कोई बड़े निवेशक एडवर्ब में हिस्सेदारी बेच के नहीं भाग रहे, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। रिलायंस रिटेल ने जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल करके एडवर्ब जो है एक नया पूरा प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा रोबोटिक्स का प्लांट होगा। मतलब रिलायंस का जो पैसा है उसका सही उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों, भविष्य में जब किसी भी आईपीओ में आप निवेश करें, तो ये तीन चीजें देखिएगा, क्या आपको धंधा समझ में आता है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, और सबसे बड़ी बात, आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बहुत जरूरी है ये। अभी क्या हो रहा है, आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, पहले वो एड डालती हैं टीवी पे, उन एड को आपको बड़ी समझदारी के साथ उसे खर्च करना है। ये सब गलतियां हमसे हो चुकी हैं, आपसे ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, रही बात ये कि आपको फंडामेंटल चेक करना है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, इनकम स्टेटमेंट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, उसका वैल्यूएशन कैसा है। तो ये सब चीजें परखने के लिए आपको आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस की कला। दोस्तों, गोस्वामी तुलसी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में शामिल होना है, तो इससे पहले कि हमारी फीस बढ़े, आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको लिंक, उस पर क्लिक करके आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। रिलायंस रिटेल के ऊपर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।